हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान। आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे कुवैत की चार बड़ी अपडेट, तो कौन कौन सी वो अपडेट होगी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। और वीज़ा के ऊपर एक बहुत अच्छी अपडेट है और साथ ही साथ एक बुरी भी अपडेट है, तो क्या है दोनों अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, फटाफट बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली अपडेट के अंदर ये है, जितने भी कुवैत के अंदर डिलीवरी बॉय हैं उनको बता दूं कि जितना भी आप पहले हाईवे यूज कर रहे थे, अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बैन कर दिया गया है। संडे से, मतलब 7 तारीख से, ये सारा का सारा बैन रहेगा आपके लिए। तो जो भी डिलीवरी बॉय अभी मुझे आप सुन पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिंग रोड जो है आपको वो यूज नहीं करना है। शेख जबीर अल अहमद अल सबा कस्बे आपको यूज नहीं करना है। और साथ ही साथ 30, 40, 50, 60 और 80, इसके साथ जमाल अब्दुल नजीर रोड आपको यूज नहीं करना है। इस टाइप का जितना भी हाईवे मैंने आपको बताया है, किसी भी हाईवे पे आप नहीं जा सकते हैं अपना फूड डिलीवरी या सामान डिलीवरी करने के लिए किसी भी जगह। ये हाईवे आपको यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करते पकड़े जाते हैं तो आपको सीधा डिपोर्ट किया जाएगा। इसका जो पूरा का पूरा रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर आएगा, आपके कंपनी के ऊपर कोई भी इसका रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहेगा। तो जो भी डिलीवरी बॉय है कुवैत में, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी मैंने आपको बताया है रोड, ये रोड आपको यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके अलावा जो भी रोड है वो आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट के अंदर ये है, कुवैत के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर एक काम करने वाले जिनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसके लिए एम्बेसी का जितना भी मीटिंग था, जितना भी प्रोग्राम था, सबको कैंसिल कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है। साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी ने ये कहा है कि जितने भी लोग कुछ दिन के अंदर में एम्बेसी के अंदर आए थे, वो प्लीज कोविड का प्रोटेक्शन जरूर लें और अपना कोविड टेस्ट भी एक बार जरूर करवा लें। तो अगर आपका कोई भी काम है इंडियन एम्बेसी के अंदर कुवैत के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कुछ दिन आप रुक जाओ। जैसे ही एम्बेसी में काम होना स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। एक कोविड केस मिलने के वजह से सारा काम अभी बंद कर दिया गया है, होल्ड पे रखा गया है। ओके, चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट के अंदर ये है, तो जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि कुवैत के अंदर जो वीजा है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एंट्री वीजा जो पहला वीजा मिला है वो सैटरडे, मतलब कल मिला है। और जिस दिन मैंने आप सब लोगों को इन्फॉर्म किया था उसके अगले दिन फ्राइडे हो गया था, तो फ्राइडे को पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर बंद रहता है। तो सैटरडे को सबसे पहला वीजा रिलीज किया गया है। और मैं आपको बता दूं, अब जितने भी लोग वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साइट पे जाके अपना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जो स्पॉन्सर लेगा, जो भी आपका कुवैती होगा, उनको लेना पड़ेगा। तब जाके उनको जो अपॉइंटमेंट मिलेगा, जो टाइम और डेट मिलेगा, वो उस टाइम में जाके जो भी वीजा का डॉक्यूमेंट्स होगा उसको सबमिट कर देंगे। उस सबमिट करने के बाद 7 से 8 दिन के अंदर में उनका वीजा आ जाएगा। वो वीजा के ऊपर तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सबसे पहले जितना भी वीजा है सारा वीजा चालू है, वीजा भी मिल रहा है बहुत लोगों को सैटरडे के अंदर ही। लेकिन अब जितना भी लोग जाएंगे उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही वो पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर के अंदर जाएंगे वीजा के लिए अप्लाई करने। और जिनका भी क्वेश्चन रहता है कि ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा, तो अभी उस पे टेक्निकल एरर है, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही उस पे पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से कोई भी अपडेट आता है आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। कुवैत का सारा वीजा चालू है, फैमिली वीजा, विजिट वीजा, एंट्री वीजा, जितना भी टाइप का वीजा होता है सारा का सारा वीजा चालू है। अब आपको कौन सा वीजा चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीजा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी कमेंट करके जरूर पूछें। ओके, चलिए बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट के अंदर ये है, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि कुवैत का जितना भी वीजा है वो सारा वीजा चालू है अब। लेकिन कुवैत की एक एमपी है जिनका नाम है मिलाल अल मदूफ, इन्होंने कैबिनेट के अंदर एक फाइल जारी किया है। फाइल जारी इसलिए किया है क्योंकि ये चाहते हैं कि जितना भी एंट्री वीजा है उसको सस्पेंड किया जाए। उन लोगों के लिए जो इंजीनियर है, जो लीगल वर्कर है, जो अकाउंटेंट है, इन लोगों को अभी वीजा नहीं दिया जाए। इन लोगों का जो प्रोफेशन वाला वीजा है इस वीजा को बाद में चालू किया जाए, फिलहाल इस वीजा को बंद कर दिया जाए। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन भाई साहब को क्या प्रॉब्लम है इंजीनियर और अकाउंटेंट से। बात करें कुवैत की कोविड केसेस के बारे में तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये फाइल जारी कर रहे हैं कुवैत कैबिनेट के अंदर, वो भी जब वीजा 1 साल 8 महीना के बाद ओपन हुआ है, मतलब खुला है तब। इन भाई साहब के लिए आपका क्या विचार है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एक चीज का मैं आप सब लोगों को सियोरिटी दे सकता हूँ कि कोई भी वीजा जो है वो बंद नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं। ओके, तो ये था कुवैत का चार इंपोर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको बता दिया है। आपको सबसे अच्छा कौन सा अपडेट लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर लगता है कि आपको ये चैनल आपकी मदद करती है, आपकी हेल्प करती है, आपके लिए यूजफुल है, तो ही आप सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें कि जैसी कोई भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं आयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।